नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। महाराष्ट्र के अकोला की घटना में अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 300 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कल शाम से आज रात तक की इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, जिसके कारण अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली कुछ परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई हैं। फिलहाल वातावरण शांत है। जैसे कि पुलिस की गिरफ्तारी अभियान शुरू है, जिसे सरकारी अनुदान ऐलान किया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मी और 6 लोग जख्मी हैं और मार्केट पूरी तरह से बंद है। रात को दंगाई पुलिस थाने पर हमला बोल रहे थे, उस वक्त पुलिस ने 3 राउंड प्लास्टिक की गोलियां दागी, जिसका वीडियो सामने आया है। इस खबर की एडिशनल SP मोनिका राउत ने पुष्टि की है। बता दें कि अकोला शहर में एक मीडिया पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच हड़प हो जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नीमा अरोड़ा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के 4 पुलिस थाना क्षेत्रों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CPRC की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों को गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने से रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने बताया, किसी सोशल मीडिया मंच पर एक धार्मिक पोस्ट के वायरल हो जाने के बाद हिंसा हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका रावत ने बताया, दोनों समूह के सदस्यों ने एक दूसरे पर पथराव किए हैं। इस दौरान कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रावत ने बताया कि पुलिस ने दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया है और हालत अब काबू में है। घुगे ने कहा, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो दंगाइयों द्वारा पथराव किए जाने के कारण घायल हो गए थे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और अकोला जिले के संरक्षक मंत्री देवेंद्र फर्नांडिस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। फर्नांडिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राउत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। राउत ने बताया है कि घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अमरावती से राज्य रिजर्व पुलिस के 1000 कर्मियों को अकोला शहर में तैनात किया गया है। राउत ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।